आज हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम पोयम द ब्रिज बिल्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोयम है द ब्रिज बिल्डर, इसके पोएट है विल एलन ड्रोंगो। ये जो पोएट है इनका जन्म, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, 1860 यानी कि 1860 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 यानी कि 1934 में हुई। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आदि पोयम पढ़ेंगे, आदि पोयम इसकी सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। मैं हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया। आइए हम पोयम स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड मैन गोइंग ए लॉन हाईवे केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ चास्म वास्ट एंड डीप एंड वाइड थ्रू विच वॉज फ्लोइंग अ सडन टाइड। देखिए चार लाइनों में मीन देखते हैं हम, इसके पहले कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। यहां पर लोन हाईवे, लोन हाईवे का मतलब होता है एक एकांत की लंबा रास्ता, शांत लंबा रास्ता। चास्म एक घाटी को कहते हैं, बड़ी सी दर्रा को कहते हैं। वास्ट ज्यादा लंबी चौड़ी फैली हुई उसे कहते हैं। सडन टाइड का मतलब होता है अचानक। सी जो है टाइड इरोजन का भंवर को कहते हैं, एक बड़ा सा कोई स्ट्रीम जैसा भंवर जो धाराएं होती है उन्हें कहते हैं। इन चार लाइनों को भी देखते हैं हम। एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति गोइंग अ लोन हाईवे जो कि एक शांत एक लंबे रास्ते पर जा रहा है। केम एट द इवनिंग, समय बताया जा रहा है शाम का टाइम, वो हाईवे पे जो चल रहा है। कोल्ड एंड ग्रे एकदम शांत सा, एकदम कोल्ड एंड ग्रे एक्चुअल जो है हाव भाव को बताया गया है यहां पर, उस व्यक्ति के शांत स्वभाव को कहा गया है यहां पर। टू ए चास्म, और वो चलते चलते एक चास्म के नजदीक आता है, उसे सामने एक दर्रा मिलती है जो कि वास्ट एंड डीप एंड वाइड, जो कि काफी बड़ी है, चौड़ी है और गहरी भी है, और साथ ही साथ में जो है गहरी होने के साथ में थोड़ी सी वाइड है, चौड़ाई में भी ज्यादा है वो। इस प्रकार के इस दर्रा का वर्णन किया गया है कि काफी गहरी है, वास्ट है, डीप है। थ्रू विच वॉज फ्लोइंग ए सडन टाइड, जिसके अंदर जो है एक अचानक सा मिलने वाला, सडन मतलब एकदम से जो है एक भंवर धारा ऐसी, उसके अंदर एक झरना सा जो है बड़ा सा वो मिलता है, उसको जब हम पार करते हैं। तो आगे की लाइन हम देखते हैं। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम द सडन स्ट्रीम हैड नो फियर्स फॉर हिम बट इट टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पान द टाइड। यहां तक की लाइनों को मीन समझते हैं हम, पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। ट्विलाइट मतलब वह समय होता है जब सूर्यास्त होता है, जब उस दौरान जो हल्का हल्का सा डस्क जैसा रहता है, अंधेरा सा हो जाता है। सडन स्ट्रीम जो होती है वो जो एक झरने को कहते हैं, कहना चाहिए कि एक झरना, एक पानी की एक धारा को कहते हैं स्ट्रीम। आइए इसको समझते हैं, इसके अंदर और कोई खास ऐसे मीनिंग दिख रहे। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम, वो जो वृद्ध है वो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, उस दौरान इस चास्म को वो जो है पार करता है। बट इट टर्न्ड व्हेन द सडन स्ट्रीम हैड नो फियर्स फॉर हिम, और इस चास्म में आने वाला स्ट्रीम जो है धारा है, इसकी टाइड जो ऊंची ऊंची है, इसकी लहरें जो ऊंची है,
इसको ऐसा लगता है कि वो कई बार इस जगह से गुजरा हुआ है, उसको काफी एक्सपीरियंस है इसका, इसलिए वो इन चीजों से डरता नहीं है। बट इट टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड, परंतु वो तो उसको तो पता है कि मुझे अनुभव है, मैं तो इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन उसको वो जो है दूसरे के बारे में सोचता है। एंड बिल्ड द ब्रिज टू स्पान द टाइड, और इस विस्तृत भवन को क्रॉस करने के लिए वो क्या करता है, दूसरों की चिंता करते हुए कि अनजान व्यक्ति जो होता है वो इस पर कैसे गुजरेगा, इसके लिए क्या करता है, एक वहां पर ब्रिज बनाता है, एक पुल बना देता है इसके ऊपर। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, यू आर रास्टिंग स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हियर, योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। आगे की लाइनों में कहा जा रहा है पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, या जो कहीं तीर्थ पे जाते हैं, या कोई जैसे किसी कहीं जो है मंदिरों में कहीं जैसे बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, कहते हैं पिलग्रिम। इसके अलावा जर्नी तो समझते हैं हम, जर्नी की यात्रा होती है, स्ट्रेंथ शक्ति को कहते हैं, वेस्टिंग है बर्बाद करना या समय को खराब करना, इससे लिया गया है यहाँ पर। एंडिंग डे, एंडिंग डे मतलब दिन जब समाप्त हो रहा है तब की बात है, जैसे ट्री लाइट का टाइम बता रहा है यहाँ पर। देखिए ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम, एक पीछे आ रहा है कोई पिलग्रिम है, कुछ शरणार्थी है, जब इस ओल्ड मैन को ब्रिज बनाते हुए देखता है तो कहता है ओल्ड मैन, अरे वृद्ध व्यक्ति, उसके पास जाकर, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हियर, यहां तुम ये कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये ब्रिज बना रहे हो, ये पुल बना रहे हो चास्कू पर, ये किस काम का, यहां पर तुम अपने लेबर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने परिश्रम को सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, यहां बिल्ड ये जो ब्रिज बना रहे हो तुम, ये कोई इसका मीन नहीं है। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जो है तो तुम तो इसको आसानी से क्रॉस कर लोगे, कर ही लिया तुमने, और तुम्हारी यात्रा भी जो है दिन के समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी, तो फिर क्यों तुम यहां पर जो है इस पुल को बना रहे हो। इस प्रकार से हमने इसके आधे पार्ट को इस पार्ट नंबर 1 में पढ़ा है, आधा पार्ट जो है इस पोयम का वो पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।